हमारा इस अनजान अनटच अनएक्सप्लोर प्लेस के लिए ये सफ़र काफ़ी रोमांचक है। इस सफ़र के लिए हम काफ़ी एक्साइटेड हैं। हमने इस सफ़र के लिए रात से ही तैयारियां शुरू कर दी थी और सुबह 8 बजे हम अपने होटल से इस सफ़र के लिए रवाना हो गए। हमारे सफ़र के लिए हमारे गाइड ने हमें बताया था कि हमारे होटल से और इस सफ़र की जहाँ से पैदल ट्रैकिंग होती है इसके बीच की सड़क द्वारा दूरी 35 किलोमीटर की है और 5 किलोमीटर पैदल ट्रैकिंग है, यानी ये सफ़र टोटल 40 किलोमीटर का हुआ। और यह 5 किलोमीटर की पैदल ट्रैकिंग सीधे सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के घने जंगलों से गुजरकर मध्य प्रदेश के सबसे ऊंचे पहाड़ चौरागढ़ की चढ़ाई का है। मध्य प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट छिंदवाड़ा के एक सुंदर हिल स्टेशन तामिया में हमने होटल लिया था और ये सफ़र हमने अपने होटल से शुरू किया था। होटल से ये जो आपने अभी टोल देखा, इस टोल की दूरी 10 किलोमीटर की है। 10 किलोमीटर के बाद हमें टोल पार करते ही लेफ्ट हैंड साइड पर टर्न होना पड़ता है उस डेस्टिनेशन के लिए जिस जगह पे हम जा रहे हैं। वैसे चौरागढ़ पहुंचने के लिए इसका सीधा रास्ता पचमढ़ी से है, लेकिन हम जिस रास्ते से जाना चाहते हैं वहाँ से कोई टूरिस्ट, कोई ट्रैवलर या कोई ट्रैकर नहीं जाता। इस रास्ते का इस्तेमाल गाँव के आदिवासी पचमढ़ी जाने के लिए करते हैं और इस रास्ते के आखिरी गांव नांदिया गांव से है हमारा एक आदिवासी गाइड जो हमें इसी नांदिया गांव में मिलेगा। हमारे गाइड ने हमें बताया था कि उसके गांव से 3 किलोमीटर पहले एक नदी पर वाटर क्रॉसिंग मिलेगी, वो शायद हमारे लिए चैलेंजिंग होगी। उस नदी को हमें बाइक से पार करना होगा और उसने ये बताया था कि उस नदी पर आकर ये रोड ख़त्म हो जाता है। अब यहाँ से पहाड़ नज़र आने लगे हैं इस रास्ते से। इस रास्ते का जो सफ़र है और जो सड़क है, जो रोड है, वो वाकई एक नंबर, वन क्लास है। जैसे ही पक्के रोड के बाद ये कच्ची सड़क शुरू होती है, लगभग 200 मीटर की ये कच्ची सड़क, उसके बाद ये नदी आ जाती है। इस नदी को बाइक से पार करना पड़ता है और यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर के बाद उस नांदिया गांव में हम पहुँचते हैं। यहाँ से सड़क आगे से कच्ची है, लेकिन मानसून के टाइम नदी में पानी ज़्यादा होता है। उस वक्त में फिर बाइक उसी भूरा भगत पर खड़ी करके यहाँ से हम पैदल जाते हैं, तो उस कंडीशन में ये 3 किलोमीटर का ट्रैक और 5 किलोमीटर का ट्रैक चौरागढ़ का, तो मिला के कुल 8 किलोमीटर हो जाता फिर ये पूरा ट्रैक अगर बाइक यहाँ खड़ी करनी पड़े। मैंने सोचा कि पहले इस नदी का मुआयना कर लूँ कि नदी में पानी आखिर है कितना और रास्ता कहाँ से ऐसा है जहाँ से बाइक निकल जाए, रास्ते में कोई पत्थर ना अड़े। तो मैं पहले निकल पड़ा इस नदी के मुआयने के लिए ताकि हर चीज़ का बारीकी से अध्ययन कर सकूं कि कहाँ पानी कम है और कहाँ पत्थर ज़्यादा है जहाँ से मैं आसानी से बाइक निकाल सकूं। वो खड़ी है मेरी बाइक और मैंने इसका पूरा हिसाब लगा लिया कि आखिर मुझे बाइक निकालना कहाँ से है, यहाँ पे मेरे इतना इतना पानी आ रहा है। नदी पार करते ही हम सतपुड़ा के घने जंगलों के अंदर एंटर कर जाते हैं और हमारे तरफ चारों तरफ हमारे दाएं बाएं घने जंगल होते हैं और सड़क बिल्कुल कच्ची होती है। ये जो पूरा पहाड़ देख रहे हैं ना आप, इसके पीछे ही पचमढ़ी है और वो जो पहाड़ देख रहे हैं पहला टीला और उसके जो पीछे बैक साइड पर जो पहाड़ है एक वाइट सा मंदिर दिख रहा है, ये ट्रैक करके उस चौरागढ़ के ऊपर, वो चौरागढ़ कहलाता है, उस चौरागढ़ के ऊपर पहुँचना है। और ये पूरा नांदिया गाँव से 5 किलोमीटर का ट्रैक है। इसकी पहली सीढ़ी से इसकी और ऊपर की जो चढ़ाई है
वो लगभग 2 घंटे की और है ऊपर इस टॉप पे पहुंचने की। और ये सामने आपको सतपुड़ा टाइगर रिजर्व का गेट दिखाई दे रहा है। जैसे ही गेट से हम अंदर एंटर होते हैं तो हम सीधे नादिया गांव में पहुंच जाते हैं और ये नादिया गांव उस वाटर क्रॉसिंग से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। और ये नादिया गांव इस ट्रैक का सबसे आखिरी गांव है और इसी गांव से 100 मीटर या 200 मीटर के बाद इस डेस्टिनेशन की पैदल ट्रैकिंग शुरू हो जाती है। तो नाम क्या भाई आपका? प्रकाश भारती। प्रकाश भारती जी। तो चौरागढ़ की चढ़ाई यहाँ से शुरू है? शुरू स्टार्ट है यहाँ से स्टार्ट है। ये सामने जो दिख रहा ऊपर चौरागढ़ है ना? चौरागढ़ है ये वाले प्रभाव है। आओ चले। अच्छा बॉस ये बताओ, हाँ ये जंगल किस तरह का है? ये सतपुड़ा टाइगर रिजर्व है। और यहाँ टाइगर वगैरह भी होते हैं? टाइगर है लेकिन अभी घूमते नहीं है, अभी कुछ खतरा नहीं है इसमें तो। टाइगर को लेके ठीक। और लेपर्ड वगैरह, तेंदुआ, तेंदुआ होते हैं यहाँ पे? तेंदुआ होते हैं लेकिन ये कभी 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 मिलते हैं वो। अच्छा कभी कभार दिख जाते हैं? हाँ कभी कभार दिख जाते हैं वो। वैसे तेंदुआ को लेके कोई खतरा नहीं है इतना बड़ा? नहीं कोई खतरा नहीं डर तो। और इसी सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के अंदर से पूरा गुजर के ही चौरागढ़ के ऊपर जाते हैं? चौरागढ़ बिल्कुल, ये मेला शिवरात्रि यहीं से जाते हैं पूरा। सब लोग यहीं से जाते हैं? यहीं से जाते हैं शिवरात्रि मेले में। तो उसके अलावा तो मेरे ख्याल से कोई आता नहीं होगा यहाँ? नहीं अभी तो कोई नहीं आया। वैसे कोई घूमने फिरने वाले बाहर से? बाहर से नहीं आया कोई। बेस्ट बेस्ट पहली स्टार्ट तुम ही हो अभी, मतलब हम ही हाँ यहाँ पे पहले शुरुआत कर रहे हैं। शुरुआत हो रही है अभी यहीं से ब्लॉग बनाने की जी। इससे पहले कोई नहीं आया यहाँ? इससे पहले कोई नहीं आया अभी तो अपना, मतलब ये पूरी जगह इससे पहले इंटरनेट पर किसी ने दिखाया? किसी ने दिखाया कि नहीं? नहीं अभी नहीं दिखाया किसी ने अभी तो। इंटरनेट पे किसी ने दिखाया अभी? नहीं अभी कोई सीन नहीं दिखाने के। अच्छा मतलब हम हैं पहले? पहले है तुम जो इसको इंटरनेट पे दिखाएंगे इस जगह को जी। हाँ बस ये जो किस तरह से ये जगह शिवरात्रि यहीं से जाते पूरा। तो यहाँ से क्या ये इसको कौन सी पारी कहते हैं? पहली पारी बोलते हैं इसको, बलदेव बोलते हैं। अच्छा और यहाँ से चढ़ाई है इसके ऊपर? यहाँ से चढ़ाई है, ऐसे घूम कर जाना पड़ेगा आपको। हाँ और जी वो आगे एक और पढ़ेंगे देव, और उसके नाम है भैरव गुफा। अच्छा भैरव गुफा से फिर और ऊपर? और ऊपर थोड़ा। अच्छा आओ चलो। देव थे ये वाले। अच्छा यहाँ पर फोत, पहले तो फोत शिव जी की पिंडी था यहाँ पर। यहाँ पे यहाँ पर यहीं पर ये पत्थर, ये पत्थर, ये बड़े बड़े जो त्रिशूल लगे ये कैसे उठा के लाए इसको? ये सब ग्रुप लेके आते, मतलब जैसे 4 लोग 6 लोग 10 लोग ढोल बाजा बैंड बाजा लेके सब चले आते हैं। अच्छा सबके सब मिलकर? सबके मिल हाँ, महाशिवरात्रि बहुत लेके आते हैं यहाँ लाके लगा देते हैं। हाँ ये लग, कुछ लोग ऊपर भी लेके जाते हैं ना चौरागढ़ पे। चौरागढ़ पे और ऊपर? और ऊपर लेके जाते हैं, बड़ा बड़ा है, बड़े बड़े त्रिशूल, कुंटल 2 कुंटल 3 कुंटल के चढ़ता है, ऊपर चढ़ जाते हैं, ऊपर चढ़ जाते हैं वो तो। अच्छा कम से कम 50-60 लोग के ग्रुप रहते हैं। अच्छा 50-60 लोग मिल के हाँ लेके चढ़ जाते हैं ऊपर। हाँ ये देखो इसका व्यू कैसी, ये पूरी एक चट्टान है और ये इतनी ऊपर तक गई है, जो दूर से हमें पहाड़ दिखाई दे रहे थे चट्टान एरिया देखो, नीचे से पूरा खोखला है गार की तरह और ऊपर देखो पूरा पहाड़ इसके ऊपर खड़ा हुआ है ये। ये देखिए पूरा नीचे से वहीं से ये खोखला आया पूरा नीचे से पहाड़, और इसके जो रॉक्स हैं ये देखिए ऐसे रखे हुए हैं, मैं ऐसे छूऊंगा ये देखिए, लेकिन ये पूरा पहाड़ इसके ऊपर टिका है, लेकिन ये किसी भी समय बारिश के समय ये लैंडस्लाइड हो जाते हैं यहाँ से ये। और इसी तरह यहाँ देखो अंदर से दिखाता हूँ, ये देखिए ये पूरी गार है इसके अंदर, और ये देखिए इसमें टुकड़े टूट रहे हैं और ये पत्थर भी इसी में से टूट के गिरा नीचे, और ऊपर से पानी भी इसमें आ रहा है जो यहाँ पे आके वाटरफॉल की शक्ल में गिर रहा है ये।
यहाँ से दिखाता हूँ आपको, ऊपर से पानी आ रहा है जो। ये देखिए भाई, ये पानी आ कहाँ से रहा है, कितनी हाइट पे से और इन पत्थरों के दरारों में से होके आ रहा है। ये और ये इस जगह से बह के ये आगे की तरफ जा रहा है। तो यहाँ से इस पहाड़ का व्यू देखो, ये जो आपको दिख रहा है, देखिए इसका व्यू देखिए, यहाँ से कितना ज़ोरदार दिख रहा है। ये दो रास्ते डिवाइड हो गए जी, एक रास्ता इधर गया और एक रास्ता ये ऊपर की तरफ गया जी। तो जरा इसके बारे में बताओ क्या है। ये वाला पगडंडी है, इसमें ये पैदल जाने का, इसमें से पूरा सीन दिखेंगे आपको। अच्छा, व्यू हमको इस वाले रास्ते से दिखते हैं जी जी। और वापसी, फिर वापसी वाली चलेंगे अपन। अच्छा, इससे हाँ ये शॉर्टकट पहुँच जाएंगे अपन सीधा। अच्छा, इससे जल्दी पहुँच जाएंगे, सीधा गाँव पहुँच जाएंगे। हमें पहाड़ और व्यू देखने के लिए उधर से आना पड़ा जी, और अब हम यहाँ से ऊपर जाएंगे। तो यहाँ से अब चलेंगे ऊपर, मिलेंगे सीधे ऊपर, सीन मिलेंगे आपको। इसमें पचमढ़ी वाला रास्ता मिल जाएगा हमें, इसमें मिलेंगे अपन को, मैं दिखा दूंगा, वहाँ जाके मिलेंगे आपको। इस ट्रैक को करते करते तो बैंड बज गया, और मैं दिखाता हूँ ये रास्ता है, यहाँ से हम आ रहे हैं और वो बिल्कुल नीचे आप देखिए उस गांव में हम पहुंचे थे, वो गांव इसके अंदर है। और ये रास्ता अब ये आगे की तरफ देखिए, ये मेरे दो साथी जा रहे हैं ये ऊपर की तरफ को, और इसी में वो गांव का भी बंदा है। तो भाई गर्मी की वजह से पूरा पसीना पसीना हो गए, और पानी अब नीचे झरने का तो पिए थे, लेकिन वो गाइड कह रहा है कि अब ऊपर एक झरना है, वहाँ पर पानी मिलेगा। तो अब यहाँ से इसकी ऐसे ही खड़ी चढ़ाई करनी है। जब शुरू में आए थे तब तो थोड़ा फ्लैट एरिया था, जंगल के अंदर से गुजर रहे थे, लेकिन अब यहाँ से 1 किलोमीटर के बाद से जो चढ़ाई शुरू हुई इस पहाड़ की, जहाँ पे पहले झरना दिखाया था मैंने, वहाँ से लगातार चढ़ रहे हैं इस पर, और ये चढ़ाई अभी और ऊपर है। ये देखिए चारों तरफ इस एरिया में, यहाँ पर ये ऊँचे ऊँचे पहाड़ हैं, और ये वो रास्ता है जहाँ से हम आ रहे हैं उस नादिया गांव से, और ये सीढ़ी ऊपर चढ़ी, बल्कि ये सीढ़ी क्या, पानी के बहने से और कटने से ये चट्टान अपने आप सीढ़ी में कन्वर्ट हो गई है, और ये सीधे ऊपर चली गई। अब यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो सामने आप देख रहे हैं ये है भूरा भगत, जहाँ पर मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर बाइक पार करके ही आप आगे का ट्रैक करेंगे। और ये जो सामने आपको दिख रहा यह है वो नादिया गांव, जहाँ पे हमने बाइक को छोड़ के इस ट्रैक को शुरू किया था। ये जो आपको सामने दिख रहा है ना ऊपर, यह है चौरागढ़, और ये पचमढ़ी का सबसे हाईएस्ट माउंटेन है, और मध्य प्रदेश का ये एवरेस्ट है, मध्य प्रदेश का भी ये सबसे हाईएस्ट माउंटेन है। बताओ ये काला काला ये केबल का जा रहा है, ये बिजली का है क्या? बिजली का नहीं, ये लाइट वो पानी का है। पानी का, ये पानी का है वो। तो पानी नीचे से ऊपर जा रहा है क्या? नहीं, ऊपर से नीचे आ रहा है। ऊपर से नीचे आ रहा है जी। यार हमने तो ये देखा पानी नीचे से ऊपर की तरफ जाता है। नहीं नहीं, ऊपर से पहाड़ पे से किसी झरने वगैरह का आता है? झरने वगैरह टंकी बैठे ना वहाँ, टंकी है। हाँ टंकी, हाँ मोटर, मतलब झरने का आता है? झरने का नहीं, बोरिंग है वहाँ, बोरिंग है ऊपर पहाड़ पे। हाँ पाइप,
पहाड़ के ऊपर बोरिंग कर दी? नहीं, जैसे हम यहाँ से चले तो वो तो महादेव तो ऊपर आएगा पहाड़ पे, ऊपर आएंगे लेकिन वो बोरिंग करेंगे ना वहाँ बहुत। अच्छा बोरिंग है, पाँच छह मोटर बैठा वहाँ। अच्छा मतलब वहाँ पहाड़ के ऊपर महादेव पहाड़ पे बोरिंग करके पानी निकाले वहाँ से टंकी में, टंकी में डाल दे फिर पानी नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, मतलब उल्टा सिस्टम है कि ऊपर से नीचे आ रहा है, हमारे यहाँ यार नीचे से ऊपर जाता है। नहीं, जब हम उस रोड से जहाँ से मैंने शुरू में ये पहाड़ दिखाए थे, जब उस रोड से इस पूरे पहाड़ की बेल्ट को देखते हैं तो ये सब एक लाइन में हमें नज़र आते हैं, ऐसा लगता है जैसे कि सब एक सीध में हैं, लेकिन एक पहाड़ के बाद दूसरा पहाड़ फिर तीसरा पहाड़, इनके बीच के जो गैप हैं, जो दर्रे हैं, उन्हीं दर्रों के अंदर से होते हुए और इन जंगलों से गुजरते हुए और हल्का हल्का धीरे धीरे गोल गोल घूमते घूमते ही ये रास्ता ऊपर पहाड़ की तरफ गया है। एकदम सीधा नहीं गया बिल्कुल ये ट्रैक, वैसे एकदम सीधा कोई चढ़ भी नहीं सकता इसमें, शायद ही कोई बड़े से बड़ा क्लाइंबर इसको डायरेक्ट चढ़ पाए क्लाइंबिंग के जरिए से, लेकिन ऐसा है नहीं, कोई नहीं चढ़ पाएगा, काफ़ी दूर से घूम के आता है, लेकिन बाहर से दूर से ऐसा लगता है कि जैसे कि सभी एक सीध में हैं और हर पहाड़ के बीच में लेकिन गैप है और आगे पीछे है। देखो यहाँ से इतनी अभी ऊपर आए हैं और ये रास्ता यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा है, अब कुछ और दिखाता हूँ। यहाँ से देखिए ये पूरा ऊपर पहाड़ खड़ा हुआ है और इसके अंदर गुफा देखिए, ये पूरा मैदान ये देखिए अंदर से कटा हुआ है और ये देखिए अंदर से पूरी देखिए गुफा, अंदर अंदर एक छोटा सा मंदिर भी बना हुआ है, लेकिन इसके अंदर कोई भी खड़े होकर नहीं जा सकता, लेट के ही जा पाएगा। ये यहाँ का ये नज़ारा, ये देखो भाई, अब यहाँ से इसके मैं आपको बड़े ही ज़बरदस्त व्यू दिखाता हूँ इस जिस जगह के, ये जो आप देख रहे हो ये पूरा नीचे का एरिया, और यहीं से हम नीचे से ट्रैकिंग करते करते यहाँ पे पहुँचे इस जगह पे। आप देखिए ऊपर से नीचे कितनी गहरी खाई है और ये देखिए पूरा व्यू पहाड़ों का, नीचे से आ रहे हम ट्रैकिंग करके, अब ये देखिए इसके पूरे व्यू ऊपर से चौरागढ़ की पहाड़ी और ये नीचे का देखिए। भाई यहां से देखो इसके व्यू इस जगह के, यहाँ से देखो किस तरह से व्यू दिख रहे हैं आप, ये देखिए, और ये आगे से रास्ता इस तरफ को मुड़ गया, ये सीढ़ियाँ जा रही हैं ऊपर की तरफ को। चौरागढ़ जिस पे अब फॉग आ गया, ये देख रहे हैं आप पूरा कोहरा छा गया इसके ऊपर, चौरागढ़ के ऊपर। मेरे पीछे आप देख रहे हैं चौरागढ़ का मौसम हो गया ऊपर ख़राब, अब पूरे चौरागढ़ तक मैं ऊपर टॉप पे तो नहीं जाऊंगा, लेकिन यहाँ से मैं आपको वहाँ तक लेके जाऊंगा जहाँ से पचमढ़ी वाला ट्रैक आता है, दोनों ट्रैक आपस में मिलते हैं फिर एक ट्रैक बन के चौरागढ़ पे जाता है, लेकिन अगर मैं इस समय चौरागढ़ पे जाऊंगा तो वहां से कुछ भी नहीं दिखेगा, पूरा का पूरा फॉग होते जा रहा है और ये थोड़ी देर में पूरे इलाके को घेर लेगा। मौसम अब बिगड़ रहा है, हो सकता है यहाँ पे बारिश शुरू हो जाए क्योंकि चारों तरफ बादल छा गए, घने घने काले काले बादल, अब लग रहा है जैसे कि बारिश हो सकती है यहाँ पे। नादिया गांव से चौरागढ़ का ये ट्रैक यहाँ पे आने के बाद, जब यहाँ पे आ जाते हैं इस जगह पे, तो ये तो आया ट्रैक नादिया गांव से, और ये जो ट्रैक है ये पचमढ़ी से आ रहा है ये वाला रास्ता, और दोनों आके यहाँ पे मिल जाते हैं और फिर यहाँ से एक रास्ता बन के यहाँ से सीधा ऊपर चौरागढ़ पे जाता है। लेकिन जो पचमढ़ी वाला ट्रैक है वो आसान है क्योंकि ऑलरेडी पचमढ़ी पहले से ही हाइट के ऊपर है, तो वहाँ से यहाँ आना ट्रैक करके तो इतना कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन नादिया गांव पहले से ही डिप पे है, एकदम नीचे है, तो यहाँ से जो 5 किलोमीटर का जो ट्रैक है इसको पूरा पहाड़ के ऊपर चढ़ना ये ज़्यादा डिफिकल्ट है, और पचमढ़ी वाला जो ट्रैक है वो काफ़ी फ्लैट एरिया में भी चलता है, कहीं हल्की हल्की सी चढ़ाई है लेकिन वो 3.5 किलोमीटर का ट्रैक है और ये ट्रैक पूरा 5 किलोमीटर का है। भूरा भगत जिधर से हम आए थे नादिया गांव की तरफ से और यहाँ रास्ते पे आए थे, और ये रास्ता जो पचमढ़ी वाला है इसका थोड़ा सा मैं आपको दिखाता हूँ आगे से ट्रैक,
कि ये किस तरह का ट्रैक है। और इस ट्रैक के भी आपको मैं यहाँ से व्यू दिखाता हूँ कि इस ट्रैक के व्यू किस तरह से दिखते हैं पचमढ़ी का वाला जो ट्रैक है इस ट्रैक के तरफ से। ये देखिए, ये एरिया तो नांदिया गांव की तरफ जा रहा है और ये पचमढ़ी की तरफ जा रहा है। मैं समय इस ट्रैक के बिल्कुल बीच सेंटर पर खड़ा हुआ हूँ और ये जो आप देख रहे हैं ये पचमढ़ी वाले व्यू हैं। यहाँ से पचमढ़ी के व्यू दिखाई देते हैं इस ट्रैक पे। और ये देखिए, ये नांदिया गांव के व्यू हैं जहाँ से हम नांदिया गांव से आए थे। ये पूरा पचमढ़ी वाला व्यू है इस ट्रैक का, पचमढ़ी वाले ट्रैक के व्यू हैं ये। और ये ट्रैक सीधा पचमढ़ी को गया। यहाँ से इसके व्यू देखो। पिछली बार यानी कि पिछले साल इस चौरागढ़ का जो ट्रैक है वो मैंने पचमढ़ी से किया था। और जब मैं इस जगह पे आया था तब मुझे पता चला था कि यह रास्ता एक नांदिया गांव से भी आता है इस जगह पे। तब मैंने पिछले साल सोचा था कि नांदिया गांव से मैं इस चौरागढ़ के इस रास्ते का ट्रैक करूँगा। तो एक साल के बाद अब मैं इसका मैंने ये ट्रैक किया है नांदिया गांव से इस चौरागढ़ के लिए। तो मेरा जो मकसद था वो इसी रास्ते तक आना था कि ये रास्ता पचमढ़ी वाले रास्ते को किस जगह पे मिलाता है। समय रहते हम नांदिया गांव ट्रैक से निकल गए और नदी को पार कर लिया। जैसे ही हमने नदी पार करी एकदम तेज़ बारिश आ गई और वहां से 30 किलोमीटर तक हम बरसात में भीगते भीगते ही अपने होटल में पहुंचे और अभी भी पूरी रात से बारिश हो रही है। और अगर हम थोड़ा लेट हो जाते तो नदी का जल स्तर बढ़ जाता और फिर उस कंडीशन में हम उस नदी को पार नहीं कर पाते, तो उसी गाँव में हम फंस जाते। और अब मौसम को देख कर ये लग रहा है कि शायद 4-5 दिन तक हम उसी गाँव में फंसे रहते। तो समय को देखते हुए हमने ट्रैक से वापसी की और नदी पार करके हम सीधे अपने होटल में आ गए। हमारे ज़्यादातर ब्लॉग अनटच एंड एक्सप्लोर प्लेस पर होते हैं। हम ज़्यादातर उन जगहों को दिखाते हैं जिन जगहों को बहुत कम लोगों ने दिखाया या फिर किसी ने प्रोफेशनल ढंग से नहीं दिखाया। ऐसी ही जगहों को देखने के लिए हमारे साथ जुड़े, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।